हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और लिसनर्स, जैसे कि आपको पता है हमारा जो सेगमेंट है आज की नारी, ये सेगमेंट में हम बहुत सारे वुमेन्स ऐसे रहते हैं जो जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और अपने खुद के पैरों पे खड़े होते हैं और एक खुद की अलग पहचान बनाते हैं। वैसे ही आज मेरे साथ एक ऐसी लेडी बैठी है, मतलब आई फील वेरी लकी कि वो आज मेरे साथ यहाँ पर है। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि गांव से आई हुई छोरी क्या कर सकती है, लेकिन गांव से आई हुई छोरी बहुत कुछ कर सकती है। इसका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शिखा मैम। सो गाइज, आज हमारे साथ बैठे हैं शिखा चौरसिया मैम, जो एक ब्यूटिशियन है, ब्यूटी कोच है, मेकअप आर्टिस्ट है। शिखा मैम के बारे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो यूपी से एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती है। उनका जो बचपन है, उनका एजुकेशन जो है वो यूपी में हुआ था। उनका शादी और मैरिज लाइफ जो था वो भी यूपी में हुआ था, लेकिन यूपी में भी उन्होंने खुद का एक सलोन ओपन किया था और खुद की एक हर एक लेडी के अंदर एक हॉबी रहती है, कुछ करने की चाह रहती है। तो शिखा मैम ने वही अपनी जो अंदर की जो स्किल्स थे उसे बाहर निकाल कर अपने पैरों पे वो खड़े हो गए। लेकिन फिर से ऐसे होता है ना कि कभी कभी आफ्टर मैरिज हमें बहुत सारे डिसीजंस चेंज करवाने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वैसे ही हस्बैंड के सपोर्ट के लिए और हस्बैंड के साथ वो यहाँ पे बॉम्बे शिफ्ट हुई, लेकिन वो बॉम्बे आने के बाद भी रुकी नहीं। बॉम्बे आने के बाद भी उनकी जर्नी जो थी वो वैसे ही शुरू रही और बॉम्बे आने के बाद भी सौंदर्य मंत्र सलोन उन्होंने स्टार्ट किया। और ये जो उनकी जर्नी है वो आज हम हमारे इंटरव्यू में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। सो सबसे पहले शिखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 FM पे। थैंक यू सो मच कोमल जी, जो आपने मुझे इतनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी दी और अपने प्रोग्राम में एक मुझे इस जर्नी का पार्ट बनाया, तो थैंक यू सो मच कोमल जी। मोस्ट वेलकम मैम। मैम, हम लोग आज इंटरव्यू नहीं कर रहे बल्कि आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। राइट, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई फीमेल आगे बढ़ते हैं, जो अपने अंदर का जो टैलेंट है वो टैलेंट को बाहर निकालकर खुद के पैरों पर खड़े होते हैं। यू आर वन ऑफ देम। सो कैसे फील होता है जब अपने अंदर के पैशन को आप प्रोफेशन बनाते हो? ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग होती है और एक अलग ही सफलता का एक जो स्वाद होता है ना, जिसने एक बार चख लिया वो कभी रुक ही नहीं सकता। राइट, तो ऐसे ही मेरे संग भी रहा और मैं चलती जा रही हूँ। शायद आप कह सकते हैं कि अभी ये सफलता की सीढ़ियां मैंने चढ़ना शुरू किया है। राइट, तो अभी मैं रुकूंगी नहीं। और लाइफ में कोई भी सफलता के लिए आपको ना असफलताओं से होकर ही गुजरना पड़ता है। राइट, और ये असफलताएं ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। जो भी लाइफ में आज सफल हुआ है उसने डेफिनेटली असफलता को ही चखा है। राइट, तो मैं उन लेडीज के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी, तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर लेडी में एक चिंगारी कहीं ना कहीं छुपी है। एक चिंगारी जरा ढूंढ कर लाओ दोस्तों, एक चिंगारी जरा ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दीपक में भीगी हुई बाती तो अभी भी है। इस दीपक में भीगी हुई बाती तो अभी भी है। हर लेडी के अंदर एक पैशन होता है, एक ऐसा सीड होता है जो कुछ करना चाहती है। और मेरी फील ऐसी है, मैं लेडी को इसलिए इतने प्यार से, इतना करीब से जान पा रही हूँ क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ। एंड सेकंड, जब मेरी फील्ड में जब लेडी आती है ना, वो कुछ ना कुछ अपना शेयर करती हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर लेडी के अंदर एक चाह है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, बट ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कुछ उनके अंदर स्किल उतना अपग्रेड नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर शायद समय की कमी है, तो वो उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाती और आगे नहीं बढ़ पाती। पर कहीं ना कहीं ये चिंगारी आपके अंदर छुपी है, आपको खुद को
एक दीपक की तरह जलाना पड़ेगा और फिर देखिए आप अपने आसपास के एरिया में कैसे चमकते हैं। यस एग्जैक्टली मैम, आपने स्टार्टिंग में ही इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात की है और हमारे सभी वुमेन्स को इनकरेज किया है। मैम मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब आपका बचपन कैसे गया, आपका एजुकेशन कहाँ पे हुआ है? देखिए बचपन तो जैसे कि होता है हमारे छोटे शहर होते हैं, सब दादी बाबा चाचा चाची बड़ी सी फैमिली होती है, ठीक है, तो सो दैट क्या होता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पे गर्ल्स को उतना ज्यादा ना मौके नहीं दिए जाते, राइट, ज्यादा होता है कि हम बॉयज को ज्यादा देखते हैं। बट आई एम लकी जो मेरे पापा की मेंटेलिटी वहां के एरिया के हिसाब से कुछ अलग थी, वो देखते थे कि ये बच्ची में कुछ ना कुछ तो है, इतना इसके अंदर पैशन है, लगन है। तो हालांकि मेरी स्कूलिंग जो एजुकेशन है बहुत गवर्नमेंट बहुत नॉर्मल स्कूल में हुई है, सच पूछो तो उस टाइम के टीचर्स जो होते थे ना वो टाइम पास ही करते थे। जब मैं बाहर पढ़ाई के लिए जब मैंने अपने पापा से फाइट की कि पापा मुझे बाहर जाना है, तो मेरे पापा ने मुझे लखनऊ भेजा स्टडी के लिए। तब मुझे पता चला जब तक मैंने ये ग्रेजुएशन जो यूपी में इटावा से छोटे से एक शहर में किया था, ये पढ़ाई तो कुछ थी नहीं, बाहर जाके मुझे लखनऊ में पता चला एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है। मेरी एक रूममेट है, मैं उन्हें हमेशा दिल से याद करती हूँ, और उन्होंने मुझे लाइफ में ना बहुत कुछ सिखाया। इवन उनकी फैमिली ने मेरे फादर को एक कॉन्फिडेंस में लिया कि अंकल मैं आपकी बेटी को लेके जा रही हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी वहां पर देखभाल करना। तो उनके जो वर्ड्स थे हमेशा वो मुझे मेरे लिए सपोर्टिंग रहे हैं। शायद अगर वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती तो मेरे पापा मुझे नहीं भेजते, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने मुझे बोलना सिखाया लोगों के बीच में। इवन आप जानते हैं कि जब मैं अपने घर में थी, मेरी दो सिस्टर दो भाई हैं और कोई मेरे नेबर आस पड़ोसी मुझे जानते नहीं थे कि मैं चौरसिया जी की बेटी हूँ। और सीरियसली आज मैं जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अच्छा आपकी बेटी आई है। तो मतलब इतना चेंज मुझे जब आप बाहर जाते हो स्ट्रगल करते हो तब आपको मिलता है। तो कहते हैं हर लर्निंग से आप कुछ सीखते जाइए, तो बस एग्जैक्टली तो मैं बस कुछ ना कुछ सीखती रही और आज भी सीख रही हूँ डेफिनेटली। तो दोस्तों हमारे साथ आज हमारे ये आज की नारी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं शिखा चौरसिया मैम। शी इज द ब्यूटिशियन, ब्यूटी कोच एंड मेकअप आर्टिस्ट, और इनकी जो जर्नी है वो हम ऐसे ही आगे उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें भी सीखने मिलेंगी, लेकिन लेते हैं तब तक एक कुछ समय का ब्रेक, कुछ गानों का ब्रेक लेते हैं, कुछ आ रही है अच्छे से गाने के बाद फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो के होस्ट आरजे एंकर कोमल, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो, और लिसनर्स आज हमारे साथ आज के नारी सेगमेंट में जुड़े हुए हैं शिखा चौरसिया मैम। वो ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है और ब्यूटी कोच भी है। और जैसे कि ब्रेक के पहले हमने देखा कि मैम का बचपन कैसे था, मैम ने कैसे एक यूपी से लेकर लखनऊ तक उनकी पढ़ाई पूरी की मैम, लेकिन आपका एजुकेशन होने के बाद वो आप ये ब्यूटिशियन और ये ब्यूटी फील्ड के और कैसे बढ़े? इसके पीछे भी मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मदर ब्यूटिशियन है और मेरे फादर का कहना है कि बेटा जो लर्निंग वाई डूइंग, जो हम बचपन में खेल खेल में सीख लेते हैं ना, तो ऑलवेज आपका एक बी प्लान रेडी रहता है, राइट। तो मेरा था कि मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में, और थैंकफुल मैं किसी गवर्नमेंट जॉब टीचर जॉब के लिए सिलेक्टेड भी रही, बट वो जॉब मैं किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाई। तो मेरे पास ऑलवेज ना बी प्लान रेडी था कि मैंने अपनी मम्मी के साथ वर्क किया था, तो हमारी रूट्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना वो मेरे फादर ने लगा दिए थे, हमारे अंदर सीड्स बो दिए थे इस ब्यूटिशियन फील्ड के। तो जब आपको कुछ बनना होता है तो सिर्फ आपको ना इनसे काम नहीं, आपको उस लाइन की प्रॉपर एजुकेशन भी लेनी पड़ती है। फिर मैं नोएडा में शिफ्ट हुई हूँ और नोएडा में 2012 में मैंने एक पूरा ब्यूटी फील्ड का प्रॉपर एक कोर्स किया, PGDC कोर्स किया,
जो कि 12 मंथ्स का कोर्स था, उसके साथ इंटर्नशिप थी, फिर मैंने कहीं जॉब भी की। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ सेमिनार और कुछ क्लासेस, वर्कशॉप, ऐसे कुछ ना कुछ अटेंड करती रही। उसके बाद मैंने सलोन सेटअप किया वहां पर। सबसे पहले तो मैंने अपना बिजनेस जो भी स्टार्ट किया अपने घर से, अपनी सोसाइटी से स्टार्ट किया। देन आफ्टर मैंने एक मॉल में अपना एक प्रॉपर सलोन सेटअप किया जिसमें प्रॉपर एम्प्लॉय रखे 3-4। और ये ऐसे फिर जर्नी हुई। तो मैं अपने पापा को बोलना चाहूंगी जो उन्होंने मेरे अंदर सीड्स डेवलप किए। तो ये हिडन टैलेंट था जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और बहुत कम टाइम में ये इतना अच्छा ग्रो कर गया कि आज उसमें फूल फल सब कुछ लग रहे हैं और आपके सामने दिख रहा है। क्या बात है। मतलब जैसे कि मैम ने पहले भी कहा कि सराउंडेड एरिया को देख के, वो बैकग्राउंड को देख के बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो वहां पे लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो ऐसे खुद के पैरों पे लड़कियां बहुत बार एजुकेशन तो लेती है लेकिन खुद का सेटअप नहीं कर सकती। लेकिन आपके डैड, आपके पापा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मतलब आपके ऊपर जो एक ट्रस्ट उन्होंने दिखाया और आपको आगे बढ़ने की एक बढ़ने के लिए आपका जो आपकी जो मंजिल थी वो मंजिल की तरफ वो आपको लेके गए, वो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि मेरे पास स्किल तो है, मेरे पास टैलेंट तो है, लेकिन मैं बाहर नहीं ला सकती जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स कभी कभी सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं आपके पापा को, आपके पूरी फैमिली को थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपके सपोर्ट की वजह से शी इज देयर और वो आज यहाँ पे पहुंची है। तो उसके पीछे आपके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे भी जितने भी लिसनर्स आज हमें सुन रहे हैं, अगर आपके बेटे के पास भी ऐसा टैलेंट है, आपके बेटी भी कुछ अलग करना चाहती है, तो डेफिनेटली उसे सपोर्ट करें। क्योंकि ऐसे होता है ना कि अगर मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मुझे मेरे करियर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर वहां पे वो स्ट्रगल के टाइम पे अगर फैमिली का साथ होता है तो वो स्ट्रगल का जो जर्नी है वो जल्दी इजीली आसान हो जाती है और इजीली हमें बहुत चीजें मिल जाती है। तो जैसे कि शिखा मैम के पेरेंट्स है, पापा थे, उन्होंने उनको गाइड किया, एक रास्ता दिखाया, वैसे ही हमारे सभी पेरेंट्स ने रास्ता दिखाना चाहिए। एंड मैम आप बहुत लकी है कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी लकी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैम मुझे ये पूछना है कि वहां पे यूपी में आपने सेटअप किया, वहां पे कैसे रिस्पांस था, कितने साल तक आपका वो सेटअप था? हाँ, यहाँ पर मैंने अपना जो घर से अपनी बिजनेस स्टार्ट किया था वो मैंने 2013 से स्टार्ट किया। 13 के बाद मैंने 1 ईयर तक अपने घर पे ही सेटअप किया। फिर मेरे हस्बैंड को लगा अरे इसके पास तो बहुत क्लाइंट आने लगे और अब लगता है एक घर से इसको बाहर सेटअप देना चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू माय हस्बैंड, उन्होंने मुझे प्रॉपर एक सलोन सेटअप करके मेरी हेल्प की सेटअप में, और नोएडा में मुझे सलोन सेटअप करवा के ये दिया ऐसे कि तुम यहाँ पर अब बिजनेस करो, यू आर डिजर्विंग दिस प्लेस। फिर वहां पर भी बहुत अच्छा चलता रहा। मेरी डॉटर छोटी थी, लेकिन 2020 सभी लोग जानते हैं राइट, कोविड ने इस फील्ड को ना बहुत ज्यादा ही डाउन कर दिया। लोग अपनी सांसें गिन रहे थे, कई लोग तो सांसें छोड़ रहे थे। तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, सलोन तो फिर जाने ही था राइट। लेकिन तब भी मैं हारी नहीं, मैंने फिर से, क्योंकि रेंट मैंने 1-2 महीने दिया और अपने सलोन के स्टाफ को भी सैलरी दी, फिर मुझे लगा कि भाई ये तो अभी इसका अंत ही नहीं है। ठीक है, मैंने सारा सेटअप अपना बंद किया और अपने घर में फिर से रिस्टार्ट किया राइट। मैंने प्रॉपर, क्योंकि मैं काम जो भी करती थी ना हमेशा प्रोफेशनली, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, तो जो मेरे क्लाइंट थे ना मैं पूरे सारे प्रिकॉशंस के साथ अकेले काम करती थी। सारे स्टाफ जबकि कोई नहीं था, सैनिटाइजिंग से लेके कस्टमर की सर्विस तक, मेरे काम में जो मुझे खुशी मिलती थी ना वो मेरे सारे क्लाइंट मुझे अभी भी कहते हैं कि जो तुम्हारा पैशन है, लगन है, और शायद मैं आज यहाँ पर हूँ उनकी ब्लेसिंग है, उन्होंने मुझे चांस दिया ऐसे टाइम में भी काम करने के लिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, सो दैट आज मैं यहाँ हूँ और मैं रुकी नहीं। तो आई एम थैंकफुल ऑलवेज, मैं गॉड के लिए थैंकफुल रहती हूँ कि उन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया। मैं उस टाइम भी चलती रही निरंतर। क्या बात है। और फिर जब मैं कोरोना और ये सब के बाद मैं बीच बीच में बहुत वो हो जाती थी डीमोटिवेट,
क्योंकि उस टाइम ना हर बंदा एक डिप्रेशन के जोन से गुजर रहा बहुत, था बहुत, तो सम टाइम जब लोग आपके अपने बिछड़ रहे थे और मेरे अंदर से एक इंटरनल वॉइस आ रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपनी एकदम सच प्योर सोल के थ्रू आपको बता रही हूँ, मेरे अंदर इंटरनल एक क्वेश्चन आता था, हु एम आई और मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन जो मेरे अंदर से आया ना, इसने मुझे हिला के रख दिया। मैं किसी काम से खुशी नहीं होती थी, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं जो करना चाहती मैं कर नहीं पा रही, मुझसे यूनिवर्स कुछ कराना चाहता है बट मुझे ना एक टारगेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो नोएडा तक की जर्नी थी ना वो सिर्फ मेरी सेल्फ की जर्नी थी। तब मैं सोचती थी आई एम द बेस्ट, मैं कर रही मैं कर रही मैं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं मेरा डाउन हो गया ड्यूरिंग कोरोना, राइट। और तब ये हुआ हु एम आई, और उस दिन से मुझे पता चला, वो जर्नी मुझे हु एम आई समझते समझते ये हुआ कि ये काम मेरा नहीं है, मुझे इस काम के लिए बनाया गया है, मुझे सिलेक्ट किया गया, आई एम द मीडियम ऑफ दिस वर्क, मुझे लोगों की हेल्प करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि भगवान ने हर एक रचना बहुत खूबसूरत बनाई है बट उसको मेंटेन करना हम लोगों को सौंपा है, तो सिर्फ हम आपकी ब्यूटी को इन्हांस कर रहे हैं और आप हमें मौका दे रहे हैं। और सेकेंड थिंग ये कि बस आई एम द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, कराने वाले ऊपर वाले एक एक पावर जो आपको सिलेक्ट करती है, आप कितनी शिद्दत से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन तक मैं अच्छे से निभाऊंगी, मुझे यो यूनिवर्स मुझे ऐसे मौके बार बार देते रहेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब ये बात पे मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड और कोरोना में बहुत से लोग डिप्रेशन में थे, डीमोटिवेट हो चुके थे, लेकिन आपने डीमोटिवेट होने के बाद भी खुद को इतना मोटिवेट किया, खुद को इतना आगे लेके आई, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब यू नो, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे जाते हैं और तभी हमें एक जल्दी से आके एक ब्रेक लगता है, फिर से वो हम लोग पीछे आ जाते हैं, राइट राइट। तो वो तब से वो फिर से रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो आपने किया, सो वो बहुत बड़ी बात है। और सब मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी आपके हस्बैंड को भी, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट आपको किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिसनर्स, हमारा आज की हमारी आज की जो बातें हैं वो ऐसे ही बरकरार रहेंगी, लेकिन यहाँ पे अब समय है कुछ ब्रेक का, और आप तब तक ये गाने सुनते रहिए, कहीं जाइए गमत सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हेलो, हाय, नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और लिसनर्स, हमारे आज की नारी ये सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूटिशियन ब्यूटी कोच शिखा चौरसिया मैम। तो ब्रेक के पहले मैम ने बताया कि ड्यूरिंग कोविड उन्होंने कैसे खुद को मोटिवेट किया और कैसे फिर से वो जर्नी उनकी शुरू की। मैम, यहाँ पे आफ्टर मैरिज वाली भी बातें बहुत हुई कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया। yes, yes. तो यू मतलब आप तो बहुत ज्यादा लकी कि yes. आपके पापा भी आपको सपोर्टिव मिले एंड हस्बैंड आल्सो यू आर सपोर्टिव, सो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लड़कियों को ऐसे नसीब वाली लड़कियों को ऐसे हस्बैंड और ऐसे पापा मिलते हैं एंड यू आर द वन। सो आफ्टर मैरिज ये सब करना मुश्किल था कुछ आपके लिए? देखिए, जब हम सुनते हैं ना तो बहुत इजी लगता है, लेकिन आज के रिलेशन इतने गिव एंड टेक वाले हो गए हैं, लेकिन जब तक आप किसी को देते नहीं है आपको वापस नहीं मिलता। जब हम एक सांस लेते हैं ना तभी दूसरी सांस छोड़ते हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को जहां जहां लगा वहां वहां हमेशा साथ दिया। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई फैमिली को तुम्हें सपोर्ट करना है, आपको जॉब नहीं करना है, आजकल गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है, बट उस टाइम मैंने 2008 में मेरी मैरिज हुई और 2000 फरवरी में मेरी मैरिज हुई और 2008 के जुलाई में मेरे पास जॉइनिंग लेटर आता है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये
जो जॉब छोड़ने का डिसीजन था मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं था, क्योंकि मेरी खुद से एक था कि मुझे अपनी एक पहचान बनाना है, और मेरा स्ट्रगल, मेरे फादर का स्ट्रगल कि इतना पढ़ाना। एक बार मेरे फादर ने बोला भी कि बेटा एक बार जॉब छोड़ने से पहले सोच लो, तो ये डिसीजन मेरे लिए सरल नहीं था। बट मैं आज फिर से अपने थैंकफुल अपने पापा को बोलूंगी, जो उन्होंने मुझे लर्निंग बाय डूइंग में यस बी प्लान के बारे में बताया, और उन्होंने जो सीड्स मेरे अंदर बोए थे आज वही बी प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ी हूँ, तो थैंक यू पापा। नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ठीक है, आप एक एंटरप्रेनर नाम से ही मतलब आपकी पहचान होने वाली थी, इसलिए मैं भी ये जॉब आपने नहीं किया वो बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पे, रादर देन मतलब वो टाइम पे तो बुरा लगा ही होगा, लेकिन ये टाइम पे अभी शिखा चौरसिया और उनका एक खुद का ब्रांड और एंटरप्रेनर शिखा चौरसिया वो एक ऐसी पहचान आपकी बनी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, सो ये बहुत बड़ी बात है मैम। और यस मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब हमारे साथ कुछ ऐसे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हम छोड़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं तो ऑलवेज ना भगवान कुछ ना कुछ आपके लिए इतना बड़ा सोचते हैं जहां तक आप भी नहीं सोच पाते हैं। तो आप उन पे ट्रस्ट जरूर रखिए जो भी आपके स्पिरिचुअल है। और ड्यूरिंग कोविड मैंने ऐसे ऑनलाइन बहुत कोर्सेज किए, मैं बताना चाहूंगी, मैंने भगवत गीता का कोर्स किया, जहां से मुझे ऑनलाइन कोर्स करने में ये तो मिला मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती गई, और मुझे चैनल्स ऐसे मिलते रहे, मैंने ब्यूटी फील्ड के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए, सो दैट जो जर्नी लोग कहते हैं कि मैंने मुंबई में आके 3 मंथ्स के अंदर सलून सेटअप कर लिया, वो जर्नी वो 3 मंथ्स की जर्नी नहीं थी, 2020 से चल रही थी री जर्नी। जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था वो तो था ही, प्लस जो कोविड के दौरान जो मेरी रीलर्निंग मेरी स्टार्ट हुई वो लेके, और जो 2023 में फाइनली मैं यहाँ पर एक सलून सेटअप के साथ आ गई, तो एग्जैक्टली बिग डील। जैसे कि मैम ने अभी अभी कहा है कि मुंबई में आके उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ ही मंथ्स हुए हैं, लेकिन ये कम इतने कम टाइम पीरियड में उन्होंने खुद का सेटअप किया है और सौंदर्य मंत्र नाम का सलून जो है वो भी स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM शिखा मैम के साथ ये बातें, और ये आज का जो सिलसिला है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आर्षा एंकर कोमल, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो, और लिसनर्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आज की नारी सेगमेंट में ब्यूटिशियन एंड ब्यूटी कोच मेकअप आर्टिस्ट शिखा चौरसिया मैम। और शिखा मैम की यूपी एमपी से लेकर ये जर्नी जो है वो अब मुंबई में पहुंच चुकी है, और फाइनली जो एक ड्रीम सिटी जिसे कहा जाता है, मुंबई इज अ ड्रीम सिटी, और बहुत सारे लोग अपने ख्वाब लेकर ये मुंबई में आते हैं, लेकिन मैम ख्वाब लेके तो आई ही थी लेकिन साथ साथ अपना सेटअप भी लेके आई थी और विद इन 3 मंथ्स उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया। मैम चैलेंजेस कुछ आए ये सेटअप करने के लिए? यस चैलेंजेस तो हर उस जर्नी में होते हैं, बट वो छोटे छोटे थे क्योंकि सारे में मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि कैसे मुझे स्टाफ हायर करना है, कैसे प्लेस का जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एरिया एरिया कैसे आपको देखना है, राइट, फिर आपको कैसा स्टाफ हायर करना है, आपकी स्पेशलिटी किस में होगी, आप लोगों से कैसे अलग अलग सर्विस दे पाए जो आपकी वैल्यू क्रिएट कर सके मार्केट में लोगों से। सेकेंड मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था एक ऐसा प्लेस जहां से मैं अपनी बेटी को भी देख सकूं और अपने बिजनेस पे भी फोकस कर सकूं। तो मेरे लिए एक ऐसा प्लेस सर्च करना बहुत ही मेरे लिए डिफिकल्ट था और एक टास्क था, तो जब मुझे लगा मैं सेक्टर 15 और जाने कहां कहां तक मैंने सर्च कर लिए, और मैंने बहुत सारे जो हमारे होते हैं सर्च करने में जो हमारी हेल्प करते हैं उनके थ्रू भी लिया, बट नहीं मिला, फिर सडनली मुझे मेरे ही
एरिया में मुझे इतना अच्छा बिग एरिया मुझे मिल गया जो मुझे सलोन के लिए प्रॉपर फिट था। क्या बात है। तो ये बस छोटे छोटे चैलेंजेस थे, चलते रहे, लाइफ है। और मुझे लगता है जब तक चैलेंजेस नहीं आते हैं तो आपकी लाइफ ना चलती भी नहीं है, राइट। तो चैलेंज लेते रहना चाहिए, एक्सेप्ट करते रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। क्या बात है। हम और अब सौंदर्य मंत्रा में आप कौन से ट्रीटमेंट देते हो? यस, मैं देती हूँ स्किन में भी ट्रीटमेंट देती हूँ, हेयर के भी ट्रीटमेंट देती हूँ। तो हेयर में जनरली क्या होता है, यहाँ पर जो मॉइस्चर बहुत रहता है, तो मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट के साथ देखती हूँ, उनको डेंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैडम मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया, ट्राइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया और इतना एक्सपेंसिव मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट उनको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखा। तो मैं बस उनको बोलती हूँ, प्लीज आप एक बार एक सेटिंग लेके देखिए, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं। हालांकि सिटिंग्स का कुछ कोर्सेज होता है, हमें सिटिंग्स इतने इतने ड्यूरेशन पर लेनी होती है, बट आपको रिजल्ट थोड़ा सा दिख जाता है। तो क्लाइंट को रिजल्ट दिखता है, वो मुझे ट्रस्ट करते हैं और वो इसको फॉलोअप करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट भी है हमारे पास अवेलेबल, बट यहाँ सलून इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि आपके हेयर और आपके स्किन को बिना प्रॉपर जाने वो कुछ भी सजेस्ट कर देते हैं। पर मैं प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करती हूँ, पूरा हेयर का सब कुछ चेक करती हूँ, तब मैं उनको केमिकल ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करती हूँ, अगर वो इसके लिए कन्वीनियंट है। उसके मैं साइड इफेक्ट और बेनिफिट दोनों बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को जब इतनी प्योर सोल के साथ और इतने अच्छे आप उनको देते हैं कि एडवाइस देते हैं तो क्लाइंट कन्विंस होता है। तो ये हमारे यहाँ जर्नी चल रही है। क्या बात है। और रिस्पांस कैसे मिल रहा है आपको? मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। डेफिनेटली अगर आप 1 ईयर में जब आप देखते हैं ना कि इतने अच्छे रिव्यूज, आप कभी हमारे गूगल पे रिव्यूज पढ़िएगा तो रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। और आई एम थैंकफुल टू ऑल माय क्लाइंट्स, उन्होंने मुझे मौका दिया, ट्रस्ट किया और मुझे इतने अच्छे रिव्यूज दिए, तो थैंक यू सो मच। और अब मैम एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, देर आर सो मेनी फीमेल्स, देर आर सो मेनी वुमेन्स जो बहुत बार डीमोटिवेट हो जाती है, या फिर आफ्टर मैरिज में मेरा बिजनेस, मेरा सेटअप कैसे खड़े करूं, या फिर कैसे खड़ा करूं, और या फिर कैसे खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊं, ये इसे ही चक्रव्यूह में फंस जाती है। तो ऐसे वुमेन्स को आप क्या कहना चाहोगे, कुछ मैसेज आपकी ओर से? यस यस बिल्कुल। आपको अपना पहले खुद का माइंड सेटअप करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, राइट। अगर आप 4 लोगों की बातें सुनोगे और 4 ऑप्शंस लोगे तो ये आपकी च्वाइस है, आपकी जर्नी है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो, राइट। लोग आपको खींचेंगे बट आपको आगे बढ़ना है। सेकंड थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम जैसे लोग आपकी हेल्प करने के लिए हैं, कोमल जी हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, प्लस वो हम मुझे बता सकते हैं, आप मेरे पास ऐसी काउंसलिंग के लिए आ सकते हो। मैं छोटे छोटे कोर्सेज भी कराती हूँ और डेफिनेटली जिसमें आपका अपग्रेड आप अपने आप को करते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आप इंडिपेंडेंट होते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हो, प्लस आपका स्किल डेवलप होता है। अगर किन्हीं कारण से आपकी एजुकेशन पार्ट वीक भी है तो आप स्किल डेवलप करिए अपने अंदर, राइट। स्किल डेवलप करने से प्योरिटी के साथ उसको टाइम दीजिए, कुछ शॉर्ट टर्म में काम नहीं होता, एक दिन में कोई काम नहीं होता, बट डेफिनेटली एक दिन काम जरूर होता है। तो आप इस पे फोकस करिए और डेफिनेटली आप अपनी इंटरनल वॉइस सुनिए और आपको भी एक आवाज आएगी। एक पॉज दीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा अपने आप को समझिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, सेल्फ लव करिए और फिर अपनी सेल्फ जर्नी स्टार्ट करिए। यस श्योर, बहुत अच्छा लगा मैम। आपने बहुत ही आपकी जर्नी जो थी, मतलब मेरे आंखों के सामने वो जर्नी, वो पूरा, मतलब आपका एजुकेशन से लेके अभी तक का जो भी ये सफर रहा है वो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने खड़ा रह गया। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, हमारे वुमेन्स और हमारे जो भी लिसनर्स है वो जो आपको सुन रहे हैं डेफिनेटली वो भी मोटिवेट हो गए होंगे कि अगर आपके पास
भगवान एक रास्ता एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरे दो दरवाजे वो खुले करके देता है। तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमारे साथ आज जुड़ा हुआ था और मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट टू यू एंड सौंदर्य मंत्रा सलोन, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और डेफिनेटली इतने कम समय में आपने इतना सब अचीव किया है तो आगे भी जाके आप सौंदर्य मंत्र का आपका नाम बहुत आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही शुभकामनाएं हमारे आपके साथ है एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लिसनर्स, हमारे आज की नारी ये सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्यूटिशियन, ब्यूटी कोच, मेकअप आर्टिस्ट शिखा चौरसिया, जो कि फाउंडर है सौंदर्य मंत्र सलोन के। और मुंबई में आने के बाद की उनकी जर्नी जो थी वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली थी, क्योंकि मुंबई में आने के बाद तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, ड्रीम सिटी है, नया शहर है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद विद इन अ 3 मंथ जिन्होंने अपना सेटअप किया, जो अपने खुद के पैरों पर अभी बहुत ही बुलंद तरीके से खड़ी है, और जिन मतलब एक जो मन में जो ख्वाब लेके वो आई थी वो उन्होंने पूरा किया है और वो आगे ऐसे ही चल रही है। इसे शिखा मैम के साथ आज बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9167993999। और हमारे आज के ये सिलसिले में मैं आरजे कोमल यहीं पर आपको टाटा बाय बाय करती हूँ। और शिखा मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच, लव यू। तो लिसनर्स कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। Thank you.